से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आज हमारे मन में क्रोध ना आवे। जब प्रातः काल उठ करके भगवान का स्मरण करें आपका दिन बिल्कुल मंगलमय होगा। हो मंगलमय सदैव उसके साथ से पहले भगवान का स्मरण किया और प्रार्थना की कि प्रभु कल का दिन तो जैसे तैसे बीत गया, अब आज का दिन जो आने वाला है वो हमारा मंगलमय बीते, हमारे दिल में आग न लगे, हमारे दिल में कोई तूफान न आवे, हम काम क्रोध लोभ के बस में न हो जाएं, हमारे शरीर के द्वारा सबका भला हो। प्रातः काल सोच लिया और सायंकाल जब सोने लगे तब देखा आज कितनी बार गलती हुई अपने मन में, उस गलती के लिए उस गलती के लिए भगवान से माफी मांगी और बोले प्रभु अब मैं आपके शरण छू करके कहता हूँ कि कल मैं दिन भर ये प्रयत्न करूंगा कि ये गलती कल हमको दोहराना नहीं है। कोई कोई तो कहते हैं कि जब सोने लगे पलंग पर तब ऐसे सोचे कि आज जिन्हें जिसको मैंने अपना दुश्मन समझा था उसको मैं अपना प्रेम दे रहा हूँ। ये जलन बढ़ाने से जब तुम किसी को शत्रु समझोगे तो आज नहीं कल वो भी तुमको अपना शत्रु समझने लगेगा। और यदि मन ही मन तुम कहो कि जो हमसे शत्रुता करता है उसको हम अपना प्रेम देते हैं तो थोड़े दिनों में तुम्हारे संकल्प का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि तुम्हारा शत्रु जो है वो मित्र हो जाएगा। तीसरी बात है यदि क्रोध आता है तो उसके लिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। तैयारी क्या है कि पहले से एक निश्चय करो, पहले सोच लो कि हमको खाने पीने में कौन सी चीज अच्छी लगती है। तो यदि नमक अच्छा लगता हो खाने में, नमकीन चीज, या दूध दही खाने में अच्छा लगता हो, या शक्कर खाने में अच्छी लगती हो, तो एक प्रतिज्ञा ऐसी करो कि एक बार क्रोध आएगा तो एक सप्ताह तक शक्कर नमक दूध दही ये सब चीज नहीं खाएंगे। बोले भाई ये प्रतिज्ञा करने से क्या होगा? तो प्रतिज्ञा ईमानदारी से होनी चाहिए। इसमें सीधा मनोवैज्ञानिक चोट है मन पर,
जिस समय आपको गुस्सा होने वाला होगा उस समय याद आवेगी कि 7 दिन नमक खाने को नहीं मिलेगा, है ना, 7 दिन शक्कर नहीं मिलेगी खाने को, तो जीभ पर पानी आ जाएगा। हो ये बड़े आदमियों के लिए भी ऐसा है कि भोजन में खाने में पीने में उनकी रुचि तो रहती है, और जब वो देखेंगे कि एक बार हम गाली दे देंगे या एक शपथ किसी को लगा देंगे या एक बार गुस्सा कर देंगे तो 7 दिन तक हमको हमारी जीभ का जो स्वाद है वो मारा जाएगा, तो मनोवृत्ति स्वाद में चली जाएगी। और वृत्ति अंतर होते ही माने स्वाद की याद आते जहाँ दुश्मन की याद आ रही थी कि उसको दंड दें, इसकी जगह पर भोजन की याद आ जाएगी, शत्रु की जगह पर भोजन आके बैठ जाएगा, और जब भोजन आके बैठ जाएगा तो गुस्सा जो है वो तुरंत उतर जाएगा। हो यही एक खेत है बंबई में, एक बार उन्होंने ये प्रतिज्ञा की जब एक बार गुस्सा आवेगा हमको तो हम अपने ऊपर 10 रुपया जुर्माना करेंगे। और गरीब आदमी के लिए तो याद आए हो, अच्छा 1-4 आने सही, 1 रुपया सही, 2 रुपया सही, तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि हमको क्रोध आवेगा, एक बार क्रोध आवेगा तो 10 रुपया किसी गरीब को देंगे। अब महाराज थोड़े दिनों में क्रोध तो आता ही, विशेष करके अपने नौकरों पर आता, और करोड़पति आदमी जब शराब पीते हैं तब ज्यादा महाराज, तो गुस्सा आवे तो नौकर को मारे हो, तो नौकर को मार के फिर उसको 10 रुपया दे कि भाई हमको गुस्सा आ गया तो तुमको 10 रुपया देते हैं। थोड़े दिनों में जब नौकरों को मालूम हो गया कि ये हर गुस्से पर 10 रुपया निकालते हैं, तब तो वो दिन में कई बार उनको जानबूझ के चिढ़ा दें कि इनको गुस्सा आ जाए, उनके लिए तो 10 रुपया कोई चीज नहीं थी, पर वो नौकर जो है वो जानबूझ करके चिढ़ाने लगे। तो अब रुपए वाले जो लोग हैं उनको तो 10 रुपया फेंकना कोई चीज ही नहीं है, ये तो महाराज 100-200 रुपए की शराब, मैंने सुना बड़े घरों में 200-200 रुपए की शराब दिन दिन भर में पी जाते, पहले अभी पी जाते हैं ऐसा सुना है। तो अब उसके बारे में हमको कुछ जानकारी तो नहीं है, तो इनको 10 रुपया फेंक देना तो कुछ बड़ा नहीं होता। एक दूसरी बात ये कि दिन भर में लोग अपने को सुंदर बनाए रखने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं, रोज शौच करते हैं और पाउडर तेल लगाते हैं, और दिन भर कई बार शीशे में देखते हैं कि हम हमारी सुंदरता जरा सवेरे से अब कुछ बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अरे बढ़ती तो है नहीं, ये तो जाती है भक्ति की ओर। लेकिन महाराज जिस समय गुस्सा आता है उस समय जो आपकी शोभा होती खाली है, तो उस समय आंख कैसी चढ़ जाती है, लाल हो जाती है, भौं कैसी चढ़ जाती है, चेहरा कैसा बिगड़ जाता है, हाथ पांव कांपने लगता है। जिस समय गुस्सा आवे ना अपने को आवे तब हो जा करके शीशा देखना, तो शीशा देखना के देखो इससे तो तुम बहुत जल्दी कुरूप हो जाओ, इसलिए बाबा गुस्सा करके अपने चेहरे को काला मत बनाओ, इसको आग में मत जलाओ, अपना दिल मत जलाओ, क्योंकि दिल में अगर क्रोध आने का अभ्यास हो जाता है तो मनुष्य जो है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। नारायण अब देखो आपको इसके संबंध में एक दूसरी बात बताते हैं। दूसरे किसी को गुस्सा आवे है ना, हमारे एक मित्र हैं तो उनके घर में खुद को कोई गुस्सा आवे तो उनको बुरा नहीं लगता है, लेकिन दूसरे को गुस्सा आवे तब उनको बहुत बुरा लगता है। अब समझो एक दिन उनके घर वाली को गुस्सा आया तो तुरंत शीशा लेके पहुंच गए, ये देखो तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया है। अब उसने शीशा हाथ में से लिया और पटक दिया हो उनके सिर पे। नारायण अब गुस्से में तो मनुष्य ऐसे ही करता है, तो दूसरे को शीशा दिखाने के लिए नहीं जाना नारायण, है ना, अपने आप को गुस्सा आवे तो अपने आप को देखना, हो चाहे ना हो गुस्सा आता है तो गला सूखता है, तो थोड़ा एक आध गिलास पानी पी लिया, बोला शरबत पी लिया, और थोड़ा दिमाग तर हो जाए, ठंडा हो जाए तो बहुत बहुत अच्छा रहता है। थोड़ी देर के लिए मौन हो जाए, श्री उदय बाबा जी महाराज कहते थे कि बच्चे को जब गुस्सा आता है तब वो क्या करता है, रोता है, तो बड़े आदमी को भी जब गुस्सा आवे और कमरा अपने घर में होवे तो कमरे को बंद करके भीतर बैठे और रो जाए थोड़ा, आंख से थोड़ा सा पानी गिर जाने के बाद जो गुस्सा है वो मिट जाता है और कम हो जाता है, इसलिए थोड़ा रो लेना चाहिए। तो पहले से ही राम 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 राम, हमने गीता प्रेस में देखा दो आदमी आपस में बहस कर रहे थे, तो बहस करते करते गुस्सा आ गया, तो एक जरा सावधान हुआ, उसने कहा कि भाई आ गया, देखो अब आ गया। ऐसा ही है हो जैसे दो आदमी घर में पति पत्नी लड़ाई कर रहे हो और है ना, एक का ध्यान गया कि देखो घर में मेहमान नया आदमी आ गया है ना,
तो दोनों तुरंत चुप हो जाते हैं और हाथ मुंह धो के हो अपने को ठंडा करके और हंसते हुए जैसे दोनों में बहुत मेल हो गए और जा करके उस तीसरे आदमी के साथ बैठ जाते हैं। अंकल बोले भाई इन लोगों में तो बड़ा दुख कहते हैं कि आहा ये पति पत्नी तो आदर्श है, आपस में कितना प्रेम करते हैं। क्या उनको मालूम नहीं कि 5 मिनट पहले दोनों आपस में लड़ रहे थे, है ना, इस बात छोटी छोटी बात के लिए लड़ रहे थे। तो एक ने कहा कि आ गया भाई आ गया, तो दूसरे ने कहा कौन आया, बोले अरे आ गया। कौन आया, कह देखो अपने सिर की तरफ देखो कौन आया। तो उसकी समझ में आ गया तो दोनों ताली पीट करके हंसने लगे। गुस्सा आने वाला हो तो हंसी का वातावरण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हो एक वकील थे होशियारपुर के जज के सामने बहस कर रहे थे, बहस करते करते उनको गुस्सा आ गया, जज उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था। सामने वाले के वकील ने भी कुछ थोड़ा बहुत चढ़ा दिया। ये बड़े बड़े बुद्धिमानों को ठकाने की एक ये भी युक्ति है। वो ये हमारे पंडित लोग हैं ना काशी में जो शास्त्रार्थ करते हैं, तो कोई ऐसी बात कह देते हैं कि जिससे सामने वाले को गुस्सा आ जाए, और जब गुस्सा आता है तब बुद्धि मर जाती है। तो वकील लोग भी करते हैं ऐसा कि सामने वाले को गुस्सा आ जाए। अब उनको वकील को आया गुस्सा, तो उन्होंने जज से कहा कि मैं 5 मिनट के बाद फिर बहस करता हूँ। तो बैठ गए कुर्सी पर, 5 मिनट के बाद फिर ठीक होकर के फिर बहस करने लगे। तो जज ने पूछा कि ये तुमने 5 मिनट की छुट्टी क्यों ली, तो उन्होंने बताया कि एक महात्मा के पास में जाता हूँ तो उनसे मैंने एक दिन पूछा था कि गुस्सा आवे तो उसको कैसे मिटाना चाहिए। तो महात्मा ने कहा कि जो गुस्सा आवे तो मौन हो जाना चाहिए, हो मौन। तो मैंने ये नियम ले रखा है, अभी अदालत में इस वकील ने कोई बात कही सामने वाले ने तो मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने मौन ले लिया अपने नियमानुसार। तो जज बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि बहुत अच्छा किया कि 5 मिनट का समय लेकर के तुमने अपने को संभाल लिया, अब तुम्हें क्या कहना है वो शांति से सुनाओ, क्योंकि गुस्से में आदमी अनाप शनाप न जाने क्या 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 बच जाता है। हो एक नियम ऐसा लेना चाहिए जैसे गुस्सा आया तो बोले आ जाएगा गुस्सा तो यहाँ से माधव बाग तक पैदल जाएंगे और जाके ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। गुस्सा आएगा एक बार तो 10 माला आज रोज से 10 माला ज्यादा अपने मंत्र का जप करेंगे। कोई बढ़िया काम करने का संकल्प कर लेना चाहिए तो इससे क्रोध शांत होता है। कहने का अभिप्राय ये है, यदि मनुष्य अपने शरीर को सुंदर रखने के लिए जैसा प्रयत्न करता है वैसे ही प्रयत्न अपने मन को सुंदर बनाए रखने के लिए करे तो उसका मन सुंदर हो जाता है। और देखो भाई, भले मानुषों की सोसाइटी में जब जाके बैठना होता है तो उनके सामने अपना वेश भी अच्छा चाहिए ना, अपना रूप भी अच्छा चाहिए, अपनी बोल चाल भी चाहिए, उसमें भी इतिकृत्य का ज्ञान, इतिकृत्य बोलते हैं अंग्रेजी में, एटिकेट जिसको बोलते हैं ना, उसको संस्कृत भाषा में इतिकृत्य बोलते हैं। हो इतिकृत्य, उसको अपने कर्तव्य का ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो यदि मनुष्य को ईश्वर के साथ मिलना है तो ईश्वर के दरबार का जो एटिकेट है वहां का जो इतिकृत्य है वो समझना चाहिए। ईश्वर के दरबार में कोई भी मनुष्य गुस्से में भरा हुआ नहीं जा सकता। इसी प्रकार समझो मन में काम है, ये गुस्सा जो है ये तो शरीर में जैसे आग लगी हो, और ये जो काम है मन में ये तो ऐसा है जैसे कोई आंधी, जैसे कोई तूफान चल रहा हो। क्रोध को पित्त दोष बताते हैं और काम को वात दोष बताते हैं। वात दोष, 4 बात इसके संबंध में नारायण ध्यान में रखने लायक है। परमहंस रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में पूजा करते थे दक्षिणा काली का, अब उनका विवाह हो चुका था और अपनी पत्नी के प्रति भी उनके मन में काम ना आवे तो जो उनकी पत्नी के पक्ष के लोग थे उन्होंने कहा कैसे भी इनके मन में काम जगाना, तो एक वेश्या के घर में ले गए। वेश्या के घर में ले गए, नाच हुआ वहां, बाजे बजे वहां, हंसी खेल हुआ। अब वो तो परमहंस जी तो एक टक उसकी ओर देखें, एक टक वेश्या की ओर देखें, तो वेश्या ने समझा कि इनके मन में कुछ भाव का उदय हो गया। जब सब लोग हट गए और उसने कोई कुचेष्टा की उनके साथ
तो परमहंस जी बड़े जोर से बोले माँ माँ माँ, तीन बार बोले और वहीं समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ हो गए तो तीन दिन तक समाधि लगी रही। तो ये माँ पने का जो भाव है, ये काम की निवृत्ति में, ये काम की निवृत्ति में बड़ा भारी मददगार है। हो एक सज्जन थे श्री रंगम में, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज वहां गए हुए थे, तो एक आश्चर्य देखा उन्होंने सड़क पर कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री चल रही मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए, और उसके आगे आगे एक सज्जन हैं, वो पीछे की ओर चलते हैं और अपना मुंह रखते हैं बेशिया की ओर, और उसके ऊपर छाता लगाए हुए हैं, उसको धूप न लगे इसके लिए छाता लगाए हुए हैं, उसकी सुंदरता दिखती रहे इसके लिए उसकी ओर मुंह किए हुए हैं और पीछे की ओर चलते हैं। श्री रामानुजाचार्य ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, पता लगाया कि ये कौन है। सायंकाल उसको बुलवाया, खबर भेज दी कि हमारे पास आओ। अब वो तो पहले डरता था बेचारा, लेकिन वो वेश्या ने कहा कि नहीं, वो सिद्ध आचार्य हैं, नहीं जाओगे तो साफ दे देंगे। वो उनके पास गए महाराज। श्री रामानुजाचार्य ने कहा, भाई तुम तो बड़े प्रेमी हो, सौंदर्य के ऐसे उपासक हो तुम कि एक भरी हजारों आदमियों के बीच में और एक वेश्या की ओर मुंह करके छाता लगा करके और पीछे की ओर चलते हो, तुम तो सौंदर्य के बड़े भारी उपासक हो, आखिर क्या उसमें तुम विशेषता देखते हो उस वेश्या के अंदर कि ऐसा करते हो। उसने कहा कि महाराज ऐसी सुंदरता मैंने सृष्टि में कहीं नहीं देखी है। श्री रामानुजाचार्य ने कहा, अच्छा तुम सुंदरता के सच्चे प्रेमी हो? कहा सच्चे प्रेमी हैं। अच्छा तो हम तुमको उससे बड़ी सुंदरता दिखाते हैं, हैं? अब तो बोले महाराज उससे बड़ी सुंदरता दिख जाए तो हम उसके भक्त हो जाएंगे, हमको तो सुंदरता चाहिए। अब सायंकाल हुआ, अंधेरा हुआ, श्री रामानुजाचार्य महाराज ने आरती जोड़ी और अपने भगवान के सामने आरती लेके खड़े हुए और बोले कि अच्छा तुम देखो हमारे भगवान की ओर। अब वो देखने लगे और रामानुजाचार्य आरती करने लगे। भगवान ने ऐसी सुंदरता अपनी प्रकट की, ऐसी सुंदरता प्रकट की कि सृष्टि में वैसी सुंदरता होना शक्य ही नहीं। वो तो निछावर हो गए और फिर लौट करके नहीं गए, तो उनका नाम धनुर्दास, धनुर्दास पड़ा हो उनका नाम। और श्री रामानुजाचार्य के भक्तों में वो बड़े श्रेष्ठ भक्त माने गए। तो काम को मिटाने के लिए मातृभावना, ईश्वर के सौंदर्य का, ईश्वर के सौंदर्य का अनुभव। और भी एक दो बात आपको सुनाएंगे, बताज समय हो गया है।